अंग्रेजी पिस्टल और देसी कट्टा से चार गिरफ्तार। वाहन में योगी राज लेकर घूम रहे थे संदिग्ध। चुनावी आचार संहिता लगते ही पुलिस एवं प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। बीती रात अजयगढ़ पुलिस ने भी व्यापक स्तर पर कार्रवाई करते हुए चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से व्यापक स्तर पर अवैध हथियार बरामद हुए हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एसडीओपी अजयगढ़ एसआर मंसूरी के निर्देशन में थाना प्रभारी वीरेंद्र बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में रात्रि को पुलिस गश्त बढ़ा दी गई थी एवं हर आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखने को निर्देशित किया गया, जिसमें रात्रि गश्त के दौरान जयस्तंभ चौक चेक पर एक मारुति वैन जिसका नंबर UP 94B 6919 नजर आई। गश्त में मौजूद लोगों द्वारा वाहन को रोककर उनमें बैठे चार लोगों से पूछताछ कर जामा तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी तूफान गिरी पिता धनुषगिरी निवासी काशी बनारस के कब्जे से एक अंग्रेजी पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एक अन्य आरोपी राजेश पिता भजवल सिंह निवासी ग्राम प्रतापपुर के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा एवं जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी विवेक चौबे पिता राम अवतार चौबे निवासी वेवैया मोहल्ला अजयगढ़ के कब्जे से बका धारदार हथियार जब्त किया गया। इसी वाहन में पड़े एक पेटी देसी शराब जब्त की गई, जो दशरथ पिता गुलाब सिंह निवासी पहाड़ी खेरा के पास जब्त हुई। आए थे थाने में, अच्छा रात में हम थाने में आए थे, हम कुछ लोग लेके आए थे, वहाँ खाना देना है। अच्छा, तो किसी को खाना देने के लिए लाए थे। अच्छा, तो थाने में आए थे तो बस यहीं बैठ गए। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कहाँ आए हैं, कैसे आना हुआ ये? हम वाराणसी के रहने वाले हैं, यहाँ जिन्ना धाम में गौशाला चलाते हैं, उसके हम अध्यक्ष हैं जी। उसी के भूसा के काम के सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे, तो इसमें किसी ने भी गाड़ी में जो कुछ भी जैसा भी रखा हो वो गाड़ी में लोगों को सामान बरामदी हुई है जो भी हो, तो ऐसा है। वाराणसी के हैं जी, जहाँ गाड़ी किसकी थी? गाड़ी एक की भगत की है, किराए पे हर साल भूसा के लिए देता है, वही दिया। कौन चला रहा था गाड़ी? गाड़ी मैं स्वयं चला रहा था और मेरा ड्राइवरी लाइसेंस है, मैं ही गाड़ी चला रहा था। कोई ड्राइवर है नहीं, ड्राइवर को पैसा देने पड़ते हैं, फोन कहाँ से? आपके पास एक रिवॉल्वर जब्त हुआ है, कुछ गोलियां वगैरह तो वो गाड़ी में रखी थी, हम तो लिए नहीं थे। कौन रखा, क्या हुआ, उससे क्या पता जो है कौन किया। तो आपका नहीं था सामान? हमारा नहीं था सर। क्या नाम आपका? हमारा नाम है महंत श्री तूफान गिरी। कल रात में एक लगभग 2 बजे करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक वाहन जिसमें कुछ संदिग्ध लोग हैं। इस सूचना पर हमारे सब इंस्पेक्टर प्रजापति और सैलन सिंह कुछ स्टाफ वाहन चेकिंग में लगाया गया था। जो सूचना थी मुखबिर की बिल्कुल सही निकली, उससे एक मारुति बैन थी, ओमनी, उत्तर प्रदेश की पासिंग है। उसको चेक किया तो उसमें कुछ चार व्यक्ति ऐसे मेरे संदिग्ध थे। उन चारों व्यक्तियों की जब तलाशी लेना शुरू की एक के बाद एक तो ये जो बाबा जी हैं इनके पास से एक पिस्टल मिली, 7 जिंदा कारतूस थे उनके पास में। एक और पड़ोस में जो सज्जन बैठे थे उनके पास भी एक 315 बोर का कट्टा मिला, एक चाकू मिला दूसरे के पास, और उसी गाड़ी में एक शराब की पेटी भी रखे हुए। इस तरह से रात में हमारे दोनों सब इंस्पेक्टर द्वय प्रजापति और यादव दोनों ने मिलकर एक अच्छी कार्रवाई की। और अभी एक वर्तमान आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके द्वारा भी बार बार अवैध हथियारों की धरपकड़, हमारे अनुविभागीय अधिकारी श्री मंसूरी साहब के निर्देशन में हम लोगों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, शराब, चाकू एक साथ एक ही वाहन में। आरोपी को 10 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड, नाबालिग से किया था दुष्कर्म। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पवई आर के रावतकर द्वारा अपने विशेष सत्र प्रकरण में आरोपी राम मनोहर सेन निवासी बुधरोड
थाना सानगर जिला पन्ना को धारा 376 एवं सहपाठिता धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोष सिद्ध पाते हुए आज 1/4/2019 को आरोपी राम मनोहर सेन को धारा 376 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया एवं सहपाठिता धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया है। कविता सिंह ने अजयगढ़ में की कांग्रेस जनों से मुलाकात। कांग्रेस द्वारा खजुराहो संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी बनाई गई कविता सिंह ने अजगर क्षेत्र का दौरा किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने हरसा भगवान मार्ग के जिन्ना भगवान सबदुआ बनहरी अमहा के बाद अजयगढ़ के सोधा राज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर लोकसभा में जी जान से मेहनत कर पार्टी की विजय का मंत्र बताया। मंडलम अध्यक्ष व सेक्टर अध्यक्ष बूथ के सभी कार्यकर्ताओं से मिले व समीक्षा की। सभी पार्टी जन अपनी पोलिंग पार्टी को जिताने के लिए जिम्मेदारी ले कविता राजा के साथ विक्रम सिंह नाती राजा राजनगर विधायक एवं शिवजीत सिंह साथ रहे। अजयगढ़ बैठक में भरत बलन पांडे रामावतार तिवारी दिनेश अरजिए राकेश गर्ग बाबूराम तिवारी शंकर सगीर संतु मिश्रा दयाराम भूरे तिवारी विशाल यादव बलराम यादव पेशानी अहिरवार अबरार दयाराम लोधी साधना अवस्थी अनीता गुप्ता आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चलो बैठो भैया सुनिए 10 मिनट के लिए हमें अपना टाइम दे दे 10 मिनट के लिए आप लोग शांत हो जाएं। नाती राजा जी हमको व्हाट्सएप करिए या मम्मा जो दो रिश्ते हैं उपस्थित सभी जो कांग्रेस कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि और सभी उपस्थित जनता जी पहली बात तो ये है कि ये क्षेत्र आपने कहा बहुत बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, पर ये मेरा मायका और ससुराल दोनों है, इसीलिए मैं जो मायका है वहाँ से मेरे अपने लोग हैं, साथ ही कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, यदि मैं ना भी जाऊँ तो कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि वो अपने कांग्रेस पार्टी को अपनी प्रत्याशी को जिताकर दिखाएगा और जितना संभव होगा। कार्यकर्ताओं में सबसे बड़ा सवाल आता है कि पन्ना जिला जो है उसमें 3 विधानसभा आती हैं और बहुत तेजी से विधानसभा चुनाव में मुद्दा उठाता है भितरघाट का, इस पे आप कैसे काबू पाएंगी? देखिए ये जो आपने भितरघाट कहा मुझे तो कहीं नजर नहीं आया, कल मैंने गुनौर बहुत से लोगों ने बोला है कि बहुत से भितरघाट हुए हैं, पूरे जिले में बोला गया है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न चन्ला विधानसभा भी उठा था, तो किस तरह से क्योंकि चारों विधानसभा आपकी लोकसभा सीट में आती है? जी तीनों विधानसभाएं मेरी लोकसभा सीट चंदला भी आती चंदला है। जी वो छतरपुर की है जी, लेकिन लोकसभा में आती है मैम जी बिल्कुल। जहां तक पन्ना की मैं अलग अलग मुद्दे उठाऊंगी, पन्ना के लिए है तो एक बेटी के लिए कभी भितरघात नहीं हो सकता, बहुत अच्छा मैं कहूंगी एक बेटी के लिए कभी भितरघात नहीं होगा। जहां तक बात है चंदला और राजनगर विधानसभाओं की तो यहां पर कोई भितरघात नहीं होगा, मैं जहां भी जा रही हूं लोग दोनों पक्षों के लोग या सारे पक्ष के लोग मेरे साथ आ रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको साथ लेकर चलूं। एक और सवाल कि कमलनाथ जी ने बहुत खुले शब्दों में कहा था कि हर कार्यकर्ता हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी बातों को सुना जाए, लेकिन इसकी विपरीत एक विधायक के द्वारा कार्य न होने पर त्याग पत्र दिया गया, क्या पार्टी सरकार 15 साल बाद आई है इसके बावजूद भी एक पार्टी के कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं देखिए ये जहाँ तक हमारे जो आदरणीय कमलनाथ जी ने ये कहा कि एक मेड़ा जी हैं उन्होंने आदरणीय कमलनाथ जी ने जो कहा कि कार्यकर्ता की बात यदि नहीं सुनी जाएगी तो बिल्कुल ये बात सत्य है, और क्योंकि मैं भी ये मानती हूँ कि जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो पार्टी की जान होता है, तो हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक किसी आपने विधायक जी की बात की मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, जहाँ तक पार्टी का निर्णय है तो वो हमारे शीर्ष पर भी जाएगा। जो कमलनाथ जी ने कहा है हम लोग कार्यकर्ता के साथ का पूरा समर्थन करेंगे, पूरा ध्यान देंगे। भाई उत्तर क्या मैं दे सकता हूँ? नगर के वार्ड नंबर 3 हरजन बस्ती के पास देहरानताल तालाब में लेटरिन बाथरूम गंदगी का पानी जा रहा है, जिस कारण से लोग बीमार पड़ रहे हैं और उसी पानी से लोग नहा रहे हैं। बगल में हनुमान जी का मंदिर है, इसी दूषित पानी का उपयोग यहाँ भी हो रहा है, जिससे लोगों में रोष देखा गया।
ये वार्ड नंबर 3 है जो यहाँ पे यह है कि नाली नहीं है तो यहाँ पे पानी गंदा है और नहाते पे हैं इसी पानी से हम लोग ढालते हैं। और अच्छा ये बताइए आपके यहाँ पे नालियाँ जो पानी वहाँ रोड में है वो पूरा तालाब में आ रहा है क्या है? हाँ यहाँ पे नाली की सुविधा नहीं है वार्ड नंबर 3 में और जितना गंदा पानी है नर्धा हो गए या कुछ भी है सब पानी पूरा तालाब में आता है पानी प्रदूषित हो रहा है यहाँ। अच्छा भगवान का मंदिर है? हाँ यहाँ पे जो मंदिर है पप्पा जी का वहाँ भी इसी पानी से ढालना पड़ता है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि भाई नाली निर्मित हो जाए सब मतलब पानी जो जहाँ गंदा पानी है वो अपनी जगह पे जाए और तालाब दूषित ना हो। क्या नाम है आपका? कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 3 है और नकुल कुशवाहा है। क्या समस्या है? समस्या क्या है? समस्या ये है कि यहाँ गंदगी का पानी आ रहा लेटरिन का नाली नहीं है पूरा पानी तालाब में आता है गंदा नर्धा का सबका आ रहा। और यहाँ का ये मंदिर बना है तो जल चढ़ाना है तो ये गंदे से हम लोग धोते हैं और मंजन दतौन इसी में करते हैं गंदे पानी। जनजाति आदि के नाम पर वोट मांगने पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज खत्री ने बताया है कि आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए कि कोई भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या उसकी तरफ से धर्म जाति आदि के नाम पर वोट मांगने की कोई भी गतिविधि को आदर्श आचार संहिता के भाग 1 के उप पैरा 3 एवं 4 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। उन्होंने अनुभागीय अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी 58 और 60 पन्ना को निर्देशित किया है कि आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पत्नी नदी की सफाई के लिए उतरे एसडीएम नगर की पत्नी नदी को साफ सफाई के लिए आज एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर ने पत्नी नदी की सफाई का अभियान संयुक्त रूप से शुरू किया है। इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए एसडीएम सहित सतीश सिंह नागवंशी सीओ जनपद पंचायत तहसीलदार निकेत चौरसिया सीएमओ विजय वर्मा के साथ खुद नदी में उतरे और सफाई की। पत्नी नदी जहां अपने अस्तित्व को खोती नजर आ रही है वहीं पीडब्ल्यूडी नगर पंचायत जनपद पंचायत शिक्षक पटवारी एवं अधिकारी कर्मचारियों द्वारा घाट तथा आसपास जमे कचरे एवं मलबे तथा काई को बाहर निकाला गया। चैत नवरात्रि प्रारंभ होने को कुछ ही दिन बचे हुए हैं क्योंकि इस नदी से मां कलेही की भक्तगणों द्वारा जल चढ़ाया जाता है। वहीं इस नदी को उपयोग भक्तगण तथा श्रद्धालु बाहर से आने वाले लोग इस नदी का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्नान के लिए भी उपयोग करते हैं। इस नदी में भारी मात्रा में पन्ने एवं अन्य प्रकार की सामग्री इस नदी में डालने से यह पानी पूरी तरह से प्रदूषित होता जा रहा था जिसको लेकर एसडीएम पवई द्वारा अपने आला अधिकारियों के साथ सुबह जाकर इस नदी की साफ सफाई की तथा चैत नवरात्रि को देखते हुए इस नदी की साफ सफाई पूर्ण रूप से की जा रही है जिससे भक्तगणों तथा बाहर से आने वाले लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर ने नगरवासियों से अपील की है कि इस नदी में पन्नी तथा खाद्य सामग्री इस नदी में ना डालें ना ही किसी प्रकार की कोई सामग्री और कहा कि इस पतरे नदी को साफ स्वच्छ बनाने के लिए अपना अमूल्य समय दें जिससे इस नदी की साफ सफाई हो सके। नवरात्रि त्यौहार आने वाला है और पत्नी नदी का काफ़ी महत्व है। इसके जल का उपयोग हम लोग पूजा में करते हैं जल चढ़ाने में करते हैं तो हमारा प्रयास यही है कि इसको नवरात्रि के पूर्व साफ किया जाए। लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में नदी में विसर्जन ना करके अन्य जगह विसर्जन करें और नदी को स्वच्छ बनाया जाए क्योंकि पॉलीथीन और प्लास्टिक काफ़ी मात्रा में दिख रहा है यहाँ पर। हमारा यही लोगों से अपील है कि कम से कम प्लास्टिक या अन्य चीज़ों को नदी में डालें ताकि नदी स्वच्छ रखा जाए और अविरल रखा जाए। पवई पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब। 30 मार्च को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी पवई एसपी शुक्ला एवं थाना के हमराही बलग्राम बूढ़ा में इंद्रपाल सिंह पिता कृष्णपाल सिंह ठाकुर निवासी बूढ़ा के मकान में बड़े बाड़े में दबिस दी जहां पर देसी हाथ भट्टी से निर्मित शराब कुप्पों में रखी एवं अंग्रेजी शराब कुल 75 लीटर कीमत 24,000 रुपये बरामद किए। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में एसआई सुरेंद्र द्विवेदी बिहारी लाल विनोद कुमार यादव राघव प्रसाद लखनलाल आर दीपक जितेंद्र राहुल अंजलि एवं अनुराधा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
अवैध रेत परिवहन पर भी हुई कार्रवाई। वहीं आज पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा अवैध रेत परिवहन के संबंध में दिए गए निर्देश के पालन में सुबह से ही पुलिस ने अवैध रेत क्षमता से अधिक पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक 60 ट्रैक्टर बिना नंबर का स्वराज व सोनाली का ट्रैक्टर पकड़ा गया। कुछ वाहनों में पिटवास थे पर क्षमता से अधिक रेत थी, कुछ तो रेत का अवैध परिवहन कर रहे थे। सुबह से ही पुलिस की धरपकड़ से हड़कंप मच गया, जो जहां थे वहीं रेत खाली कर भाग निकले। ट्रैक्टर के पास पिटवास थे, उनके राजस्व विभाग को पत्र भेजकर क्षमता से अधिक रेत को नापने के लिए राजस्व अमला बुलाया गया। राजस्व अमला की रिपोर्ट के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाए। विद्यालयों का समय आज से परिवर्तित। कलेक्टर मनोज खत्री ने अत्यधिक गर्मी एवं लगातार बढ़ रहे तापमान को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय के संचालन के समय में परिवर्तित करने के आदेश जारी किए। उन्होंने गर्मी के कारण अध्ययनरत छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शालाओं का संचालन प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया। सिलिकोसिस बीमारी में भी एक और जान। जिले में सिलिकोसिस बीमारी के कारण मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसके निदान के लिए कोई सार्थक पहल नहीं हो रही। सामाजिक संस्थाओं द्वारा कई बार खनन मजदूरों का परीक्षण कराया गया। प्रशासन को अवगत कराया गया कि मनमाने ढंग से हो रहे खनन के चलते मजदूर इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा न तो खनन क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा के प्रबंध किए गए और न ही उपचार की कोई व्यवस्था, जिसके चलते लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। पत्थर खदान में काम करती थी, उनको पत्थर की भस्म अंदर जाती थी। 15-20 साल हुए उन्हें काम करत, और कल उल्टी भाई उनके शाम को 6 बजे खत्म हो गए। कहीं इलाज चल रहा था? इलाज करवाया था वहाँ पर, फिर कोई आराम नहीं मिला उनको। 2010 में इन पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जांच डॉक्टर भी मुरली जो हॉलैंड में प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने यहाँ के आकर यहाँ पर एक कैंप लगाया था और तब 39 मजदूर चिन्हित हुए थे। यह जो है इतनी खतरनाक बीमारी है जो सिल्का डस्ट इनके मुंह और नाक के माध्यम से इनके लंग्स में जाती है, और जो यहाँ पर लीजें हैं, जो अर्हताएँ होती हैं, जो एक गाइडलाइन होती है, उसके हिसाब से यहाँ की खदानें नहीं चलती हैं और शासन प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। कहीं ना कहीं लापरवाही का लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है, और इस पर सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा। अभी हम लोग तैयारी में हैं कि लोकसभा के चुनाव में कौन से ऐसे लोग हैं जो मजदूरों के हित की बात करेंगे, उन्हीं की तरफ हम खड़े होंगे, वरना हम चुनाव का भी बहस करते। कितने लोग और बीमार हैं? 162 मजदूर जो संस्थाओं ने कम संसाधनों में किए थे। अगर शासन बृहद स्तर पर यहाँ की खदानों की जांच करे तो हजारों मजदूर ऐसे हैं जो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं। अभी और कितने मजदूर हैं जो अस्पताल में हैं? कहीं 2 मजदूर अभी अस्पताल में हैं, एक की हालत बहुत ही गंभीर है, श्यामलिया जो 2010 में चिन्हित हुआ था और उसको सरकार ने माना है कि हाँ ये सिलिकोसिस पीड़ित है। बीमारी का कोई इलाज नहीं? कोई इलाज दुनिया में कोई इलाज नहीं, सुरक्षा ही इसका इलाज है। अजयगढ़ में ट्रांसफार्मर में भी बड़की भी सड़ा। अजयगढ़ नगर के जयस्तंभ चौक में स्थित ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप लेने लगी। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत ही फायर ब्रिगेड को दी और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग पर काबू होने के कारण वहां बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर की आग यदि तेजी से फैल जाती तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था।